मैं हूँ मानसी राठौर। नर्मदा युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में चल रहे गौ माता संरक्षण अभियान के तहत देवास जिले में गायों के भूख प्यास और दुर्घटना से मरने पर देवास कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए गायों की सुरक्षा की मांग की गई है। कुछ समय पहले शंकरगढ़ स्थित गौशाला में कई गायों की भूख एवं अव्यवस्था के चलते मृत्यु हो गई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद गौ संरक्षण करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात देवास कलेक्टर ने कही थी, परंतु अभी भी गौवंश की स्थिति दयनीय है। देवास बाईपास रोड पर कई गायें घूमती रहती है और उनका जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आवागमन में भी परेशानी होती है। साथ ही गायों के एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। पूर्व में भी कई गायों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है, जिस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है। प्रशासन के इस प्रकार की अव्यवस्था के चलते एवं अवहेलना की वजह से कई गौवंश की मृत्यु हो चुकी है। आज इसी मामले पर नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में देवास कलेक्टर को ज्ञापन देकर पूरे मामले से अवगत कराया गया। साथ ही गायों की सुरक्षा की मांग करते हुए उनको सुरक्षित स्थान भेजने का निवेदन भी किया गया। आप लोगों ने अच्छे मैनेजमेंट के माध्यम से गौशाला पर उनको स्थापित करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग बाईपासों पर जाते हैं तो रोडों पर जो गायों की स्थिति है वो 100, 125, 60, 70 की गायों ने ग्रुप ग्रुप में घूम रही है। परसों के दिन हम लोगों ने देखा कि वाहन दुर्घटना में गाय फिर से दुर्घटना के एक्सीडेंट हुई, उस दुर्घटना के कारण उसकी मौत हुई। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि गौशाला में एक ऐसी व्यवस्था बनाए जो गाय हमारी आवारा की तरह घूम रही है, ग्रुप में घूम रही दुर्घटनाएं हो रही, उस पर नियंत्रण कर सके, ताकि आने वाले समय में जो भारतीय आस्था और हिंदू आस्था की जो सबसे बड़ी प्रतीक है गौ माता, उनकी विलुप्ति कांड न हो और उनको संरक्षित हम लोग कर सकें। इसे तो आपको अवगत कराने के लिए ज्ञापन हम लोग देने के लिए आए। सर, जो आपने कल कलेक्टर को गौशाला को लेकर ज्ञापन दिया है, इसमें आपने क्या मांग की? देखिए, हमने सिर्फ देवास में कलेक्टर साहब से मांग नहीं की है, हम पूरे प्रदेश में जगह जगह हमारे नर्मदा युवा सेना के जिलाध्यक्ष, मार्गी अध्यक्ष और पदाधिकारी जगह जगह मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा जो गौ माता का हमें आर्थिक महत्व समझना पड़ेगा, सामाजिक महत्व समझना पड़ेगा, आध्यात्मिक महत्व समझना पड़ेगा। देखिए, गौ माता का दूध के बारे में आप जानते ही हैं, गौमूत्र कितना इम्पोर्टेंट है, आप अथर्ववेद से लेके बाण भट्ट तक के उनमें ग्रंथों में पढ़ेंगे तो इनके ज्ञान का वर्णन किया गया है, महत्व का वर्णन किया गया है, गोबर का वर्णन किया गया है। और जब इस तरीके से गौ माता सड़क पे रहती है तो सिर्फ दुर्घटना में गौ माता का ही नुकसान नहीं होता है, वो इंसानों का भी नुकसान होता है। लोगों को हर तरीके से समझना पड़ेगा कि समाज हित में क्या है। आज माँ शब्द का भी जो उत्पत्ति हुई है वो गौमुख से हुई है। जब बछड़ा अपनी माँ के लिए रमाता है, गाय माँ के लिए, तो माँ शब्द की उत्पत्ति वहाँ से हुई है। जब आप ऋग्वेद, अथर्वेद और उसमें पढ़ेंगे तो मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से गाय माताओं को अनदेखा किया जा रहा है, उन पर राजनीतिकरण की जा रही है, आज गोरक्षा सिर्फ राजनीति का विषय बन गया है। जबकि हमें समाज के हित के लिए उनका ध्यान देना चाहिए। हमें चाहिए कि गौशालाओं का निर्माण हो। गौशालाएं अगर निर्मित हैं तो उनकी इतनी दयनीय दशा है कि वहाँ पे भी जो गौ माता हैं वो तिल तिल मनने के लिए विवश हैं। हमें इन सब पे ध्यान देना होगा, और चाहे वो पर्यावरण को लेके हो, तो शायद आप लोग जब वेदों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इवन पर्यावरण का सबसे ज़्यादा फायदा गौ माता से ही होता है। उनकी एक चम्मच घी अगर गोबर में डाला जाए तो अथाह ऑक्सीजन का प्रभाव होता है, इसीलिए शायद हमारे सनातन धर्म में यज्ञ किया जाता है और गाय की घी से यज्ञ को प्रज्वलित किया जाता है। गौमूत्र के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, गौ दूध के बारे में मैं बता चुका हूँ कि गौ दूध इतना इंसान के लिए अच्छा है, चाहे वो जब रेडीकरण होता है, चाहे वो जब विकरण होता है, इन सब से हमें जिस तरीके की सुरक्षा मिलती है, जिस तरीके की प्रतिरोध क्षमता मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलती। फिर हमें इंसानों की सजगता के बारे में सोचना होगा। जब गौ माता इस तरीके से विवश हैं और रोडों पर घूमती हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, और जब एक्सीडेंट होते हैं तो सिर्फ गौ माता का ही एक्सीडेंट नहीं होता है, उन इंसानों का, उस व्हीकल का भी होता है। तो हमें ध्यान रखना होगा, हमें और गौशालाओं का निर्माण करना होगा, और ये हमारे हित में है, ये समाज के हित में है, ये सरकार के हित में। जी सर, ऐसी समस्या पूरे प्रदेश में हो रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समस्या पूरे प्रदेश में हो रही है, और मैं कहूँगा पूरे देश में हो रही है। हमारे पूरे प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि हर ज़िले में,
हर गांव में जाके हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और पदाधिकारियों से, प्रशासन से, शासन से मांग कर रहे हैं, उनको इस वास्तविक स्थिति से हम उनको अवगत करा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें रेडियम भी लगाना चाहिए और ये गौ माता के लिए अच्छा है, ये हमारे पूरे मानव सभ्यता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। हमारी नर्मदा युवा सेना नदी संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और समाज हित में कार्य करती रहती है।